थोड़ा बहुत जो वेट कम किया था ना, वो तो हजम हो ही नहीं रहा था कि वेट इतनी जल्दी कम हो कैसे गया। तो हम लोग पहुंचे दोबारा वजन ज्यादा करने के लिए। जी बिल्कुल, हम लोग पहुंचे फास्ट फूड खाने के लिए अजवा से। हम लोगों ने ऑर्डर किया पिज्ज़ा और फ्राइज़, तो सबसे पहले हमारी फ्राइज़ आ गई। इतने टाइम बाद फ्राइज़ को देख के बस दिल कर रहा था जल्दी जल्दी खा जाएं सारे। तो सबसे पहले मैंने फ्राइज़ खाना स्टार्ट किया और ये बहुत ही मज़े के होते हैं, फ्राइज़ तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और उसके बाद हमारा गरम गरम पिज़्ज़ा आ गया था, और पिज़्ज़ा जो है ना देखते साथ बस दिल गार्डन गार्डन हो गया, और साथ ही दिल कर रहा था कि जल्दी से बस खा जाएं। तो मेरी भाभी जो है वो भी सर्व कर रही थी, सबसे पहले मामा को किया और उसके बाद मेरी बारी आई। तो मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से खाऊं। तो ये पिज़्ज़ा जो है वो काफ़ी चीज़ी भी था और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। आप लोग अजवा का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इन्होंने न्यू सेटअप किया है हमारी सिटी में, तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। माँ का ऐसा वाहिद बैंक है जो 24 आवर्स अवेलेबल होता है, और अभी हम बस माँ के बैंक से कैश ले रहे थे। और कैश लेने के बाद आइसक्रीम भी हम लोगों ने खाई, यहाँ की आइसक्रीम भी बहुत मज़े की होती है। मेन जीटी रोड पे बाबा जी ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, अपने साइकिल पे इन्होंने ना तस्बीहें रखी हुई थी, अत्तर रखा हुआ था और साथ में सुरमा वगैरह रखा हुआ था। तो मैं ऐसे लोगों से चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना वो आपसे मांग नहीं रही होते बल्कि अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो इन्हें अगर आप ज़्यादा पैसे भी दे दो ना तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोगों के रोज़गार को प्रमोट करना। अल्लाह हाफिज़।